ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपने गाड़ी में भी यही कहा था और मैं जानती हूँ आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहती। शायद मैं आपकी जगह होती तो यही सब बोल जाती, लेकिन मेरा यकीन करिए, मैं अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं तो बस ये सब उसकी खुशी के लिए करना चाहती थी, उसका बहुत मन था खेलने का, इसलिए नहीं रोक पाई। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी नहीं। एक माँ को रोज अपने बच्चे के लिए कई फैसले लेने पड़ते हैं और ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरा ये फैसला गलत हो गया। अभी अपने नानू के घर रुकना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से नहीं रुक पाया। शायद इसीलिए मैं इस बार उसे नहीं रोकना चाहती थी। उसने कहा कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे थकान नहीं हो रही, और मेरा दिल मान गया। मैं बस उसकी ये विश पूरी करना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन देखिए ना, मेरी वजह से मेरे बच्चे की ये हालत हुई है, बस मेरी वजह से। नहीं 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 नहीं, आपकी गलती, मेरी वजह से नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं पता नहीं बिना कुछ सोचे सब समझे आपको इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा मैंने कि अगर आप है तो अमीर है, मैं एक बाप हूं, मुझे इतना दर्द हो रहा है तो आप तो माँ है, आपने उसको जन्म दिया है और आपके दर्द के सामने किसी का दर्द बड़ा हो ही नहीं सकता जी। सॉरी सॉरी, मुझे गलती हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षरा, मुझे बस इतनी सी बात है जो मैं मानना ही नहीं चाहता था और गुस्से में आपको ये सब, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि मैं बिना आखिर के बिना मैं जी नहीं सकता। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। एक गलती पहले की है, उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हिम्मत हार रहे हैं, हमें स्ट्रांग रहना है अक्षरा, हमारे अभीर को हमारी हिम्मत की जरूरत है। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, बच्चों की चिंता करना माँ बाप की फितरत है, पर उनका हौसला बढ़ाना ये हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हमारे अभीर की हिम्मत है। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, बस अब कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे,
मैंने आपसे झूठ कहा। झूठ? अच्छा जी, अब बेटा इतना बड़ा स्टार फुटबॉलर बन गया है तो इसलिए नखरा कर रही है, फोन नहीं उठा रही है। अरे कहाँ है हमारा स्टार, हमारा बड़ी? कैसे बताओ कि मेरी वजह से अभी हॉस्पिटल में, कैसे बताओ कि आपकी बेटी को अपने बेटे की तकलीफ ही नहीं दिखाती? कहीं मेरी वजह से मम्मी मियां किसी की तबीयत ना बिगड़ जाए। अक्षु, अक्षु, अक्षु तो चुप क्यों है, क्या बात है? देख मुझे पता है कि तू फोन पे है। अक्षु सब ठीक है ना? अबीर कहाँ है? अक्षु, हेलो अक्षु, हेलो अक्षु, देख तू ऐसे चुप रहेगी तो हम अभी कसौली के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, घबराहट हो रही है हमें। अक्षु कुछ तो बोल प्लीज। बड़े बाबा जी नमस्ते, पता नहीं चला कब आपका फोन उठ गया। कैसे हैं आप लोग? हम सब बिल्कुल अच्छे हैं दामाजी, वो अक्षु बात क्यों नहीं कर रही है, घबराहट हुई, अभी ठीक तो है? ठीक। अरे आपके कुंवर साहब को क्या होगा बड़े पापा जी, मैं जीत के आया ना तो एकदम स्टार बन गए हैं और सेलिब्रिटी, कसौली के सेलिब्रिटी बन गए हैं। अरे यही तो हम पूछ रहे थे, कितने गोल मारे? हैट्रिक, हैट्रिक मारी है। हैट्रिक? अरे कभी ऐसे उड़ के एकदम किक मारी है, कभी सर से किक मार रहा है, कभी यहां से कभी वहां से, इतने गोल मारे हैं कि जीत गए। आप लोग जब उदयपुर से आएंगे ना तो जम के पार्टी करेंगे जी, और आपकी बात में करवा देता बड़े पापा जी, पर निकी जी ना घर आते ही सो गए थे, वो थक गए थे ना, अब मैं कल बात करवाता हूँ आपकी। ओह हाँ हाँ हाँ, इतने सारे गोल किए हैं, सबको धूल चटाई है मैदान में तो थक ही गए होंगे, कोई बात नहीं आराम करने दीजिए, जब एक बार उठ जाएंगे तो बता दीजिएगा, लेकिन बात जरूर कराइएगा। जी 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 नमस्ते। हम क्या सोच रहे थे और क्या निकला? मैं भी डर गया था, शुक्र है सब ठीक है। हॉस्पिटल, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेथलेस। अरे हॉस्पिटल में है तो सब ठीक है, आजकल बच्चों पे कितने प्रेशर होते हैं ना, पढ़ाई का, खेल कूद, गर्मी में फुटबॉल खेल रहा था, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, फ्लूइड वगैरह चढ़ाएंगे, घर भेज देंगे। सच भाई जी? पढ़ाई की है, डॉक्टर हूँ, और कुछ जानू ना जानू ये तो जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है?